नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और विद्युत सहायक के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों, 200 के आसपास वैकेंसी दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कैसे आपको इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या योग्यता है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कैरियर सेक्शन में आने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कैरियर के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर सारे जॉब शो हो जाते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर शो हो रही, देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो सिंपली इसके सामने क्लिक हियर का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए जैसे यहां पर एक न्यू पेज ओपन होगा इस प्रकार का, यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करके पहला नोटिफिकेशन यहां पर है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये यह है यहां पर विद्युत सहायक के लिए, प्लांट अटेंडेंट के लिए यहां पर ग्रेड 1 की। तो चलिए एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, इसके बाद हम कंप्लीटली प्रोसेस बात करेंगे कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के। तो चलिए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 की है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले वैकेंसी टेबल ही आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 111 वैकेंसी यहाँ पर, जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर 55% के साथ मिनिमम आपके 55% होने चाहिए। ऐसे ही बात करें यहाँ पर विद्युत सहायक मैकेनिकल के लिए तो आपको यहाँ पर 66 वैकेंसी है, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो टोटल मिलाकर 177 है यहाँ पर जो है विद्युत सहायक के लिए, प्लस इसके अलावा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग वैकेंसी है। तो उसका भी आपको नेक्स्ट जो है अगले जो है पेज में आपको दिखा देंगे अगले नोटिफिकेशन में। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि केवल यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ पर BE/BTECH जो है इलिजिबल नहीं है दोस्तों, नॉट अप्लाई। तो केवल डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर केवल डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी 177 निकल कर आई है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं सैलरी जो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो यहां पर आपको 17,500 रुपए सैलरी मिलेगा शुरू में पहले साल, इसके बाद सेकंड से 5 साल तक जो है आपको सैलरी जो भी वहां के रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका अच्छा जो है कार्यशैली रहती है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, और परमानेंट होने के बाद देख सकते हैं यहां पर आपको 26,000 से 56,600 तक की सैलरी मिलेगी दोस्तों। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अनरिजर्व कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट के लिए 35 साल एज लिमिट रखा गया है, इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट के लिए छूट मिल जाएगी। एज की काउंटिंग यहां पर 25 फरवरी 2020 से की जाएगी। तो चलिए यहां पर मेन चीजें देख लेते हैं और बाकी आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी यहां पर एज में आपको छूट मिल जाएगी, यहां पर वैकेंसी आपको मैंने बता दिया। चलिए यहां पर फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहां पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो यहां पर आपको 500 रुपए फीस पेमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा आप अगर रिजर्व कैंडिडेट हैं तो यहां पर 250 रुपए आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन रखा गया कि आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर नॉलेज आप गुजराती इसेंटियल, मतलब आपको गुजराती लैंग्वेज आनी जरूरी है और आप कहीं के भी हो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 25 फरवरी से और लास्ट डेट यहाँ पर 17 मार्च रखा गया है। तो 17 मार्च 2020 के पहले आपको अप्लाई कर लेना है। तो चलिए अब अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो है डाउनलोड करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर कैंडिडेट है, दूसरा है न्यू यूजर। तो सिंपली आप अभी न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद जो है आपको लॉग इन करके ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना हो। तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिलेगी कैसे आपको अप्लाई करना है और बाकी सारा डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको रीड कर लेना, रीड करने के बाद यहां पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज इस प्रकार का ओपन होगा, तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करना है, और आपके मोबाइल पर यहाँ पर OTP भेजा जाएगा, और OTP आपको यहाँ पर इंटर करके जो है वेरीफाइड OTP पर क्लिक कर देना है। तो चलिए OTP यहाँ पर इंटर कर लेते हैं।
मैंने ओटीपी इंटर कर लिया। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट चूज करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसके विद्युत सहायक इलेक्ट्रिकल के लिए, और विद्युत सहायक मैकेनिकल के लिए। तो मैं यहाँ पर विद्युत सहायक मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर लेना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात करें तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको हमेशा याद रहे, जैसे कि आपका जो है जन्म कहाँ हुआ, तो मैं यही सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको आंसर दे देना है। इसके बाद एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है और उसको कन्फर्म करके एक कैप्चा कोड इंटर कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा डिटेल इंटर कर लिया। इसके बाद पासवर्ड भी मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर कर लिया। इसके बाद ये सबमिट का ऑप्शन है तो सिंपली आपको इसी सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको एक जो है ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने, मतलब आपको आगे लॉग इन करने के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक करके आप लॉग इन कर सकते हैं, या चाहे तो आप डायरेक्ट होम पेज पर भी जाकर वहां से लॉग इन का ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज हो जाता है। यहाँ पर आपको यूजर नेम इंटर करना है जो अभी आपको मिला है यूजर आईडी, और यहाँ पर एक करना जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था। इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए डिटेल इंटर करके साइन इन करते हैं। यहाँ पर मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर लिया है। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है तो यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लॉग इन हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है लॉग इन हो चुके हैं, यहाँ पर आपका डिटेल शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिर से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो इस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिए, और यहाँ पर जो है कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपने जिस पोस्ट को चूज किया यहाँ पर शो हो रहा है। मैकेनिकल के लिए मैंने चूज किया है, यहाँ पर विद्युत सहायक मैकेनिकल के लिए सो हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एक डिटेल अपना फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने कैटेगरी चूज कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लीजिए। अगर अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपको यूआर में ही अप्लाई करना पड़ेगा और बाकी डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ यूआर से ही अप्लाई करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं यूआर कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखेंगे, मिस्टर, मिसेज, मिस। तो जो भी आपका टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं आपको अपना फर्स्ट नेम इंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम इंटर कर लेना है, फर्स्ट नेम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर सरनेम आपको इंटर कर लेना है, आपका जो भी आपका सरनेम है, अपने फादर्स का जो भी सरनेम है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम इंटर, अपने पिताजी का फुल नेम इंटर कर देना है, कंप्लीट फुल नेम आपको अपने पिताजी का इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपने मदर्स का नेम इंटर कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मेल फीमेल है सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप डोमेसाइल आप गुजरात के रहने वाले हैं, वहां के निवासी हैं, तो यस करिए, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टाइप में आपको देना होगा एक जो है अपना जो है पहचान पत्र देना होगा। देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड दूंगा। इसके बाद उसका नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद अगर आपने अप्रेंटिस पे रजिस्ट्रेशन किया है, BOAT मतलब जो अप्रेंटिसशिप .gov पर रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि MHRD NATS डिप्लोमा वालों के लिए होता है, तो उस पर किया है, तो यहां पर यस करके उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो भी कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। इसके बाद अगर आप इंप्लॉय एक्सचेंज में यहां पर रोजगार पंजीयन में रजिस्टर है तो यस करके डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद यहां पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। इसके बाद यहां पर प्रेफरेंस लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहला इंग्लिश है, दूसरा गुजराती। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, यहां पर मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूं। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पर देख सकते हैं आपको अपनी डिटेल देनी है। यहां पर आप जो है क्या कंपनी से रिलेटेड, जो ये कंपनी है GUBNL, इससे जो है रिलेटेड है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। आर्मी फोर्स में है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, यहाँ पर ये सब नो ही करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और आपका एज यहाँ पर शो हो जाएगा। देख सकते हैं 25/2/2020 से आपकी एज काउंटिंग की जाएगी। तो चलिए यहाँ पर फिर नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर कंप्लीटली एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटली आपको एड्रेस फिलअप कर देना है।
स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम इंटर कर लेना है, यहाँ पर अपने टाउन का नेम इंटर कर लेना है, यहाँ पर पिन कोड इंटर कर लेना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर टिक कर लीजिए, नीचे अपने आप फिलअप हो जाएगा, मतलब फिलअप नहीं करना होगा, नहीं तो अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी शो होगा, यहाँ पर आपको एक सेंटर चूज करना होगा। सेंटर चूज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, यहाँ पर मेन में सूरत, राजकोट, तो इसमें मैं राजकोट चूज कर लेता हूँ, आप जो भी चाहें प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देख सकते हैं, इधर राइट साइड में ऑप्शन है, तो सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये डिटेल आपका सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल में, यहाँ पर देख सकते हैं 10th का SSC मतलब 10th का डिटेल देना है और यहाँ पर डिप्लोमा का डिटेल देना है। तो चलिए एक एक डिटेल फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देखा देता हूँ मैं, कैसे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम, स्कूल का नेम आपको इंटर कर लेना है 10th के। इसके बाद बोर्ड का नेम यहाँ पर इंटर कर लेना है, जिस बोर्ड से आप हैं। इसके बाद ईयर आप पासिंग, किस ईयर में आप पास आउट किए 10th सेलेक्ट कर लीजिए, कितना परसेंट है आपका जो है 10th में यहाँ पर इंटर कर लीजिए, पॉइंट के 2 अंक तक आपको जो है इंटर करना है यहाँ पर परसेंटेज। इसके बाद दोस्तों डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा आपको सेलेक्ट करना है, किससे आपने किस स्टेट से डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पर एक ही ब्रांच अवेलेबल है मैकेनिकल, क्योंकि मैं मैकेनिकल से अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम यहाँ पर इंटर कर लीजिए, कौन से बोर्ड है आपका, UPBTI जो भी आपका गुजरात का बोर्ड है, बोर्ड का नेम इंटर कीजिए। ईयर आप पासिंग, और यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट मोड किस टाइप का था, परसेंटेज था या CGPA था या कोई और था, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिवीजन या ग्रेड या परसेंटेज आपने जितना अपटेन किया है इंटर कर लेना है, तो यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ। या इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इक्विवेलेंट परसेंटेज जो है आपको वही इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो का, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो चलिए नो कर देते हैं, तो नो जैसे करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, फोटो और सिग्नेचर अपलोड पे। तो चलिए यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार का आपको अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है यहाँ पर कंप्लीटली देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फोटो की बात कर लेता हूँ, तो फोटो का साइज जो होगा देख सकते हैं 50 से 80 KB के बीच में होगा, मतलब मिनिमम आपका 50 KB और मैक्सिमम 80 KB होगा। फॉर्मेट हमारा JPG या JPEG या PNG में भी हो सकता है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार सिग्नेचर की बात कर ले, तो सिग्नेचर जो होगा उसका भी साइज यहाँ 50 से 80 KB के बीच में होगा और फॉर्मेट भी सेम होगा। तो चलिए यहाँ पर अपलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको फोटो अपलोड होकर शुरू हो जाएगा। और जो साइज मैंने बताया 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, इसी प्रकार सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है 50 से 80 KB के बीच में। यहाँ पर चूज करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पर नीचे आपको राइट साइड में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये आप प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू में आपको सारा डिटेल्स होगा। यहाँ पर एक बार आपको सारा डिटेल अपना चेक करना है, अपना नेम और बाकी सारा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, आपका नेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पर सर नेम शो हो रहा है, और बाकी सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है। अगर सब डिटेल ओके है तो यहाँ पर आप जो नीचे सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार डिटेल चेक कीजिए, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो एडिट कर सकते हैं। अगर सब ओके है तो यहाँ पर आप जो है टिक कर लीजिए, या टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस पर टिक मार्क कर लेना है, और आपको नीचे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रोसीड टू फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट के लिए क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ आपको पेमेंट की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट के लिए आपको 7 अटेम्प्ट मिलते हैं। यहाँ पर एक बार चेक कर लाना है, यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी है जनरल OBC या अदर स्टेट के लिए, बाकी वहाँ के रिजर्व कैंडिडेट के लिए 250 रुपये की फीस पेमेंट करनी है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर आई एग्री पर क्लिक करना है, और यहाँ प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपसे फिर से पूछा जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको डायरेक्ट पेमेंट की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आपको पेमेंट कैसे करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है साइट थोड़ी प्रॉब्लम चल
चल रही है, मेंटेनेंस में चल रही है। साइट इज अंडर शेड्यूल मेंटेनेंस, वी विल बैक ऑनलाइन इन 40 मिनट के बाद आपको पेमेंट करने का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो अभी साइट मेंटेनेंस में चल रही है, जैसे ही साइट सही होगी यहाँ पर समय भी आपको दिया गया 40 मिनट के बाद पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप अपने डेबिट कार्ड की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इस प्रकार आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ बाद में भी चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन करेंगे और फिर से यहाँ पर व्यू कर सकते हैं और यहाँ पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली मैगजीन और न्यूज़पेपर की आवश्यकता हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।